हेलो गाइज, आई एम सी एस खंडेलवाल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, GT पेपर हो गया आपका, उसका एक शॉर्ट रिव्यू करेंगे एंड IIT प्रिपेयर कैसे करना है उस बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो तो GT पेपर बेटा, मैं बोलूँ तो आपका MCQs ईजी आए थे, ठीक है, बट डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो था ना वो एवरेज से डिफिकल्ट साइड में था, ठीक है। कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगा होगा, कुछ को एवरेज लगा होगा, बट थोड़ा एवरेज ही था, ईजी नहीं था डिस्क्रिप्टिव पार्ट, ठीक है। अब सर, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में क्या हुआ कि इन लोगों ने बहुत लेंथी पेपर दिया हुआ था एंड ना पेपर लेंथी भी था एंड साथ में ना छोटे छोटे माइन्यूट एडजस्टमेंट्स पूछे हुए थे एंड फर्स्ट क्वेश्चन PGP का वो काफ़ी डिफिकल्ट और आउट ऑफ द बॉक्स दिया उन्होंने। क्या है, कहीं ना कहीं ऐसे को समझ गया है कि हम लोग PGP एडजस्टमेंट करके जाते हैं एंड हम लोग हर बार मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, तो इसलिए ऐसा ने इस बार बहुत ही अनयूजुअल क्वेश्चन दिया, ठीक है। बाकी पेपर मैनेजेबल था, ठीक है, मतलब MCQs वाइज। और बाकी जो क्वेश्चन आए थे, जैसे जो हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर आया था और स्लम से लाया हुआ था, DTAA ठीक क्वेश्चन था, मतलब इजी था, ट्रांसपेरेंसी इजी क्वेश्चन था, तो क्वेश्चंस मैनेजेबल थे, बट उसमें ना छोटे छोटे पॉइंट्स ट्रिकी थे थोड़े से, ठीक है। बट मुझे लगता है कि अपन ने जितनी बातें की थी, जितना पढ़ाई की थी, अगर आपने फॉलो की होगी मेरे मैराथन्स वगैरह, रिविजन वीडियोज़ वगैरह, तो उसमें काफ़ी पॉइंट्स कवर थे और काफ़ी क्वेश्चन कवर थे। मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोले पेनाल्टीज़ बहुत सारा आया, बिजनेस टेस्ट पूरा आया सेम, तो मतलब मिक्स रिव्यू मुझे, बट मैं समझता हूँ MCQ के कारण आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। डरने की बात नहीं है, अगर पेपर जो डिस्क्रिप्टिव था, जो डिफिकल्ट भी था, उसमें आपने सॉल्व किया अच्छे से, तो मार्क्स आ जाएंगे आपके, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। जहाँ पेपर थोड़ा भी डिफिकल्ट होता है ना, तो वहाँ मार्किंग अच्छी होती है, ठीक है। जैसे आपने अगर इतने लेंथी पेपर में अगर 70 से 80, मतलब 70, 80, 90 तक भी सॉल्व किया है ना, 70, 80, 90, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको छोड़ दो और फोकस करो IIT में अब, ठीक है। मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, MCQ में अच्छे मार्क्स मिलेंगे अपने को, प्लस आपके डिस्क्रिप्टिव में भी स्टेप मार्किंग होगी और अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। PGP का टेंशन मत लो, उसमें भी स्टेप मार्किंग हो जाएगी, जितने आपने सही एडजस्टमेंट किए होंगे मार्क्स मिल जाएंगे उसके, ठीक है। अब बात करते हैं IIT प्रिपेयर कैसे करना है। देखो IIT में क्या करो, अब आप IIT आपको 100 मार्क्स का पूरा, मतलब पूरा करके जाना है, छोड़ना नहीं है। और IIT में ना अपन लोग क्या करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं ना, तो हम सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जेम्पशंस, ITC, ये बढ़िया से करते हैं, और ये करते करते हमारा टाइम खत्म हो जाता है और हम लोग ना पीछे का पार्ट नहीं करते, जो रजिस्ट्रेशन से रिफंड वाले चैप्टर्स हैं ना वो नहीं करते। तो एक काम करना, मेक श्योर करना, प्लान ऐसा बनाओ कि वो रजिस्ट्रेशन से रिफंड वाले चैप्टर जितने भी है वो अपने को बहुत बढ़िया से करने हैं, ठीक है। तो अभी स्टार्ट आप जो चैप्टर सबको एकदम अच्छे जाते हैं उससे स्टार्ट करो, ठीक है। और आज रात को ही पीछे के 3-4 चैप्टर करके सोना, जो छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है, वो आज ही करके सोना, ठीक है। दूसरी बात सर, आपको अगर एग्जम्पशन लेके आना है तो कस्टम्स आपको एग्जम्पशन दिलाएगा, ठीक है। GST में यू विल स्कोर 40-45 स्कोर कर लोगे आप, ठीक है। कस्टम्स आपको 20 मार्क्स दिला के 65 लेके जाएगा, ठीक है। तो बस कस्टम्स छोड़ के मत जाना, ठीक है। GST पढ़ना, कस्टम पढ़ना और पूरा अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। और जो भी अमेंडमेंट्स है सर्कुलर से देख लेना, ओके, यस। और ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो। IIT अच्छा स्कोरिंग है, उसमें स्कोर करना है अपने को। अब DT जैसा भी है छोड़ दो उसको, भूल जाओ, अच्छा गया बुरा गया भूल जाओ, अब IIT की पढ़ाई करो, ठीक है। एंड हम सब कर लेंगे, ठीक है। और जब भी फ्री हो मुझे फीडबैक बताना कैसा लगा आपको, मतलब मेरे रिसोर्सेज कैसे लगे, आपको हेल्प हुई क्या, हमने बहुत ट्राई किए। कल ट्रिकी पॉइंट्स पर काफ़ी कुछ डिस्कस किया था, उसमें भी काफ़ी कुछ आया मेरे, मुझे बच्चे बोले, तो अच्छी बात है, ठीक है। मुझे बताना कैसा लगा आपको, ठीक है। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स, जब भी टाइम मिले बताना, ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं, वीडियो लाइक कर देना, सी यू, ऑल द बेस्ट, और पढ़ो अच्छे से, मैं हूँ, बैठा हूँ, ठीक है, बाय।